उम्र में शय जय महाकालदोसु। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है, हमारे घर में दरिद्रता लेकर आती है, हमारे घर में गरीबी को बढ़ाती हैं। अपने घर में इन रखी चीज़ों को अक्षय तृतीया से पहले घर से बाहर कर दीजिए। यदि आप अपने घर में चाहते हैं कि अक्षय तृतीया पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, अक्षय तृतीया से पहले इन चीज़ों को घर से निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जो घर में दरिद्रता का कारण बनती है। साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। यदि आप सोना चांदी का दान नहीं कर सकते, सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, तो अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के समान ही पुण्य देने वाली किन चीज़ों को खरीद करके आप अपने घर में ला सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी है, और इस बार अक्षय तृतीया कब रहेगी, 9 मई की या 10 मई की। सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो क्या करें। दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दिन सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ये दिन सफलता और सौभाग्य लेकर आता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना माना जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि आना, लेकिन हर किसी के लिए सोना खरीद पाना मुश्किल होता है। ऐसे में आप सोने के समान जौ को खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। जौ की पोटली बांध करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और अगले दिन इस पोटली को उठा करके लाल अपनी तिजोरी में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिए, या इन जौ को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो होते हैं वो सोने के समान ही फल प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीजों को घर से निकालना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों अक्षय तृतीया से पहले अपने घर से जो टूटे फूटे बर्तन है उनको निकाल करके बाहर कर दें, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में गरीबी को लेकर आते हैं, घर में दरिद्रता का वास करते हैं। इसलिए अपने घर से अक्षय तृतीया से पहले टूटे फूटे बर्तन को हटा दीजिए। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई की पड़ रही है, तो इससे पहले अपने घर में साफ सफाई रखें। जितने भी आपके घर में फटे पुराने गंदे कपड़े हैं उनको हटा करके बाहर कर दीजिए। फटे पुराने कपड़े भी घर में माँ लक्ष्मी के आगमन को रोकते हैं। अक्षय तृतीया से पहले जितनी भी फटी पुरानी जूते चप्पल हैं जिनको आप इस्तेमाल में नहीं करते हैं, इनको जो कुछ लोग होते हैं कि जूते चप्पल को अपने प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो प्रवेश द्वार पर यदि आपकी टूटी फूटी चप्पलें हैं तो ये घर में माँ लक्ष्मी के आगमन को रोकती हैं, तो इन चीज़ों को भी अपने घर से बाहर कर दीजिए। यदि आपने अपने मंदिर में खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कोई देवी देवताओं की ऐसी मूर्ति हैं जो कटी फटी हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा झाड़ू, दोस्तों झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में टूटी फूटी झाड़ू होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। टूटी फूटी झाड़ू घर की बरकत को रोकती है, घर में दरिद्रता लेकर आती है। अक्षय तृतीया से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, अपने घर से टूटी फूटी झाड़ू को बाहर कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की बरकत भी होती है। इसके अलावा कुछ लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी करते हैं। लेकिन यदि आपके घर के पेड़ पौधे सूख गए हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर या तो आप जमीन में गाड़ दीजिए, या उखाड़ करके कहीं बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, या तुलसी अगर आपने लगाई हुई और तुलसी सूख चुकी है तो उसको भी निकाल करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि सूखे पौधे जो होते हैं घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए घर में तरक्की चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो अपने घर से सूखे पेड़ पौधे को हटा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अक्षय तृतीया पर पूजन विधि किस तरीके से करनी है। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:30 तक का होता है। इस समय नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, साथ ही हाथ में गंगा जल लेकर आप व्रत का संकल्प भी कर सकते हैं यदि आप अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखना चाहते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य आरती दिखाइए। इसके बाद में वहाँ पर आपको भगवान विष्णु का सहस्रनाम का पाठ करना है। भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती करें, जरूरतमंदों और गरीबों को क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान देना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हैं। संभव हो तो गंगा जी नदी में स्नान कीजिए। गंगा में नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर पानी में गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। इस दिन आपको दान करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। धन दौलत में वृद्धि चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल लेकर के इसको लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में धन आगमन के रास्ते खोलने लगते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन किसी भी मकान का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाना चाहिए, लेकिन इस दिन वाहन खरीदना शुभ माना जाता है, गृह प्रवेश शुभ माना जाता है। विष्णु जी को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो इस दिन तुलसी भूलकर भी ना तोड़े। इस दिन कोशिश कीजिए कि आप तामसिक भोजन से परहेज रखें।
इस दिन मांस मदिरे का सेवन भूलकर भी ना करें। अक्षय तृतीया पर घर में गंदगी ना फैलाएं, घर को साफ सुथरा कर लें क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो अपने घर को साफ सुथरा जरूर रखें। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, लेकिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप जो खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अपनी जो भी चीज़ों का आप दान करना चाहें, खाने का सामान है तो उन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विधान होता है, लेकिन सोने की जगह आप अपने घर में जौ खरीद कर लाइए क्योंकि जौ भी सोने के समान ही होते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदने से, इनका दान करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे से किए गए दान से आपको 10 गुना पुण्य मिलता है, तो अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें क्योंकि अक्षय का दान जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म ना हो, इसीलिए कहा जाता है अक्षय तृतीया का जो दिन होता है इस दिन दान पुण्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।